तो चलिए बात करते हैं सीरियल उड़ारिया के बारे में। उड़ारिया में कन्नू की शादी की सारी रस्में अब निभाई जा रही हैं। अब चुनरी ओढ़ाने के लिए सारे लड़के वाले घर पर आ चुके हैं। यहाँ पर अरमान जो है वो आसमा से पूछता है कि आसमा क्या हुआ है और क्यों तुम इतना परेशान हो, जरूर आलिया ने कुछ किया होगा क्योंकि आखिर वही ये सब जो करती है। लेकिन यहाँ आसमा कहती है कि नहीं, आलिया ने कुछ भी नहीं किया है, बस मैं यूं ही परेशान हूँ। वह अब आपको बताते चले कि चुन्नी की रस्म जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाई जाती है। कन्नू बहुत खुश, घर वाले बहुत खुश है। ऐसे में अब जो है आलिया बार बार चाची जी को यही कह रही है कि आप आसमा पे ध्यान रखिए, कहीं कुछ वो गड़बड़ ना कर दे। वेल, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होता है चुन्नी ओढ़ाने की रस्म में। लेकिन जब सब खाना खाने बैठते हैं तो भाई खाना ही नहीं होता है, कुछ भी बना हुआ नहीं होता और आसमा के ऊपर सारा इल्जाम लगता है। अब चाची गुस्सा होती और यहाँ पर जो लड़के वाले हैं वो भी गुस्सा हो रहे थे। लेकिन तब तक गुरुद्वारे से खाना आ जाता है और तब यहाँ अरमान एक बार फिर से आसमा को बचाता है और कहता है कि मैंने और आसमा ने डिसाइड किया था कि गुरुद्वारे का खाना जो है वो हम लोग आज खाएंगे घर बैठकर। अब आपको बताते चले कि अब ये बात तो संभल जाती है, लेकिन अब अरमान को शक हो गया है कि कोई बड़ी मुसीबत में आसमा है। आसमा से पूछ रहा है कि ये सब आलिया कर रही है, तुम मुझे बताओ आसमा। लेकिन आसमा कुछ भी नहीं कह रही है। आसमा आलिया के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर दूसरी बेटी का सच जानने के लिए आसमा ये सब कर रही है। यहाँ पर आलिया जो है वो नचा रही है सबको अपने इशारों पर। यहाँ पर जो लड़के वाले आए हैं, अब लड़के वाले ड्राइंग रूम में थे तभी एक धुआं सा आता है और सब बाहर भागते हैं, सबकी आंखों में वो धुआं लगता है। तो अरमान सबके आंखों में पानी देता है और तब एक टॉवल आसमा लेकर आती है। उस टॉवल से लड़के वाले मुंह पोंछते हैं तो उनके मुंह पर लाल रंग लग जाता है। अब अगल बगल के लोग सब हंसने लगते हैं। अब ये शादी टूट जाती है, किसी भी हाल में अब ये शादी नहीं होगी। यहाँ लड़के वाले कहते हैं कि माफी मांगनी होगी आसमा को। यहाँ घर वाले भी कहते हैं कि आसमा तेरी गलती है, माफी मांग ले। लेकिन आसमा कहती है कि मैं माफी नहीं मांगूंगी। कुल मिलाकर आसमा अपने आप को सबके सामने गलत साबित कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी दूसरी बेटी का सच जान सके कि वो कहाँ है, किसके पास है। वो अब देखना दिलचस्प होता है कि क्या होगा शो में आगे।